I founded the Adani Group over 3 decades back. I had never have imagined that the Adani Group would grow to become one of the largest conglomerates of the country. On the eve of Republic Day this year, a US-based short seller published a report to short our stocks. Just as we are planning to launch the largest follow-on public offering in India's history. गौतम अडानी की जिस मीटिंग का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो आ ही गई, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की घटना से लेकर आने वाले प्रोजेक्ट्स और भारत की इकोनॉमी के विकास के बारे में खुलकर बात की। इस साल जनवरी में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की घटना के बाद अडानी ग्रुप की ये पहली एनुअल जनरल मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनके शेयर्स को गिराकर उसे प्रॉफिट कमाने की बात भी कही। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि ये हिंडनबर्ग द्वारा की गई साजिश थी, जिससे लोगों की नजरों में अडानी ग्रुप की छवि नेगेटिव बने और अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आए। ये नेगेटिव रिपोर्ट निकालने की टाइमिंग जानबूझकर अडानी के FPO के समय रखी गई, जिस वजह से कंपनी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस लिया, जिससे कि उन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट ना झेलना पड़े। इस रिपोर्ट में मैक्सिमम एलिगेशन थे फ्रॉड ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, जो साल 2004 से 2015 तक के बीच के बनाए गए थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और जो भी उतार चढ़ाव था वो सभी का निपटान उस समय अधिकारियों द्वारा निपटा लिया गया था। इसमें अडानी का ये भी मानना है कि उनके खिलाफ आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हालांकि एक्सपर्ट कमेटी को रेगुलेटरी कमियां नहीं मिली। सेबी के पास भी ये मामला गया और सेबी को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करना है। सेबी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए अडानी के डिस्क्लोजर पर उनको यकीन है। गौतम अडानी का कहना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है और इस मुश्किल हालातों में अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा बनाए रखा। गौतम अडानी ने इंडिया की इकोनॉमी के विकास को लेकर भी बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है, जो साल 2030 तक तीसरी और साल 2050 तक भारत की इकोनॉमी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इसके लिए केंद्र में परमानेंट गवर्नमेंट होना जरूरी है और हमारा देश को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने पर पूरा भरोसा है। अपनी बात पूरी करते हुए गौतम अडानी ने अपने आने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा भी किया, जिसमें बताया कि अडानी ग्रुप सबसे बड़ा हाइड्रो रिन्यूएबल पार्क बनाएंगे, जो कि इंडिया की ग्रोथ में 4 चांद लगा देगा। अडानी ग्रुप के लिए ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा, जो पूरे 72 करोड़ एकड़ का प्रोजेक्ट होगा। ये 20 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी को पैदा करने में सक्षम होगा। आखिरकार अडानी बोले और ऐसा बोले कि सुनने लायक था। क्या आपको भी है इस मेगा प्रोजेक्ट का इंतजार, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।